बरेली सीनियर्स क्रिकेट फेडरेशन का गठन। बरेली जिले में प्रतिष्ठित वरिष्ठ क्रिकेट खिलाड़ियों को बरेली एवं संपूर्ण उत्तर प्रदेश में क्रिकेट को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से बरेली सीनियर्स क्रिकेट फेडरेशन का गठन किया गया। बरेली प्रेस क्लब में प्रेस वार्ता के दौरान विधान टंडन, पंकज सिन्हा, देवेश गवार, मुकेश वर्मा, प्रभात टंडन, सुमन मेहरा, अनिल कपूर, विनोद मेहरोत्रा, राकेश उत्तम सभी प्रदेश स्तर के सीनियर क्रिकेटर ने भाग लिया। बताया अगस्त 2019 में संबंधित समस्त वरिष्ठ खिलाड़ियों के साथ सभा होगी और प्रत्येक वर्ष दो क्रिकेट को प्रोत्साहित करने के लिए भव्य स्तर पाए किए जाएंगे। देखिए, अब हम लोग जिस एज ग्रुप में हैं, 50s 60s में हम लोग हैं इस एज ग्रुप में, और हमारे एज ग्रुप के बहुत से लोग क्रिकेट रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ में भी हैं। जैसे मेरे सीनियर, मेरे कैप्टन जो यूनिवर्सिटी, मेरे दीपक शर्मा जी आज CEO यूपी क्रिकेट एसोसिएशन के हैं, राहुल जौहरी जी BCCI के CEO हैं, वो भी बरेली से हैं। तो ऐसे ऐसे लोग बरेली के इतने रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ में हैं, जो टैलेंटेड बच्चे बरेली के हैं, उनको अब एक ऐसा मौका है कि उनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल सकता है। वो अपनी कैपेबिलिटीज़ के हिसाब से बहुत ऊपर जा सकते हैं। आजकल IPL वगैरह होने की वजह से इतनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। हम लोग के टाइम भी तो अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी, क्लब क्रिकेट होती थी, पेपर में निकला, 2-4-5 दिन निकला, हम लोग खुश हो गए फोटो वोटो देख के। आजकल बच्चा IPL खेल सकता है, अगर एक IPL खेल ले बच्चा, नाउ इट इज़ लाइक ए प्रोफेशन। और लगभग मेरी उम्र 70 साल के आसपास पहुँच चुकी है। आज से 50 साल पहले हमने क्रिकेट खेलना शुरू करी थी और 35 साल पहले छोड़ भी चुकी है, पर हमने बहुत ऊंचाइयों पर जाने के लिए सोच रखा था, पर कुछ अपनी पारिवारिक या आगे साधन ना मिलने से वो चीज़ को हमारा ब्रेकअप हुआ। अब हम अपने माध्यम से जो युवा इस 30 साल के अंदर हम देख रहे हैं कि स्पोर्ट्स नहीं दिख रहा है, वो अपने टीम, इस टीम के भावना से उनके अंदर वो चीज़ें पैदा करेंगे और अपने उन छोड़े हुए सपने को आज साकार करने में ये हमारे लगता है हम इसको पहुंच जाएंगे। क्योंकि इस बरेली शहर के अंदर मैं आपको थोड़ा सा और जानकारी दे दूं, रमेश सक्सेना जी, अब्बास अली बेग जी, दामाकांत देसाई जी और ऐसे ऐसे महान खिलाड़ी इस बरेली कॉलेज के अंदर खेल के गए हैं। और इन 35 साल के अंदर हमारे यहाँ स्पोर्ट्स के साधन फील्डे हैं, उसमें जो भी इकोनॉमिकल की कमियाँ पड़ेंगी इन बच्चों के लिए आगे आने वालों, उसको हम अपने फेडरेशन के माध्यम से उनको अपने माध्यम से पूर्ण करेंगे। बात यहाँ पर मैं स्पष्ट करूँगा आपको, फिल्म में, ग्लैमर इंडस्ट्री में, स्पोर्ट्स में, आप देखें छोटे शहरों का बड़ा प्रभाव बड़ा है इन दिनों में, और हमारा शहर भी एक ऐसा शहर है जहाँ पर बहुत अच्छी संख्या में बड़े अच्छे पोटेंशियल प्लेयर यहाँ पर निकल सकते हैं। लेकिन दिक्कत क्या है कि यहाँ पर एक प्लेटफॉर्म नहीं, हमारे पास एक ब्रिज नहीं बन पाता। आज आप देखिए IPL चालू होने के बाद क्रिकेट एक अपने आप में एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री बन गई है, उसमें ग्लैमर भी है, उसमें पैसा भी है। एक ज़माने में कहा जाता था पढ़ोगे लिखोगे तो हो जाओगे ख़राब, तो अब वो कहावत बदल गई। अब आप खेलोगे कूदोगे तब भी नवाब बन सकते हो। तो खेलने कूदने के लिए, स्पोर्ट्स एक बहुत बढ़िया कैरियर है। और यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे हो, यहाँ शहर के बहुत संभ्रांत और बहुत सीनियर हमारे जो साथी लोग हैं, ये बहुत पुराने खिलाड़ी भी रहे हैं, विधान भाई साहब हैं, पंकज जी हैं, विनोद भाई साहब हैं, आप सबकी वजह से एक ये सीनियर क्रिकेटर्स ने मिलकर एक ये संगठन बनाया है जो हमारे शहर के बच्चों में, शहर के युवाओं में और बड़े लेवल के प्लेटफॉर्म के बीच एक ब्रिज का काम करेगा। इसमें कोचिंग भी है, इसमें टूर्नामेंट भी है, इसमें पुल एंड पुश करना, ताकि हमारा जो रहने वाला यहाँ का जो बच्चा, जिसे कोई जगह नहीं मिल पाती, उसको हम उस स्तर तक पहुँचा पाए जिससे वो अपना देश में नाम रोशन।